Hello friends, you are watching Asha Nature Cure. Click on subscribe button and press bell icon for latest updates. Hello friends, मैं डॉक्टर रूपाली गुप्ता, नेचुरोपैथी फिजिशियन. आइए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो एक एज के बाद हर किसी को फेस करना पड़ती है. हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में. ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी समस्या है जिसमें बोन मास की कमी के कारण हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं. छोटी सी चोट भी फ्रैक्चर का कारण बन जाती है. ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या मेल से ज्यादा फीमेल्स में देखने को मिलती है. ये समस्या 35 की एज के बाद ज्यादा देखने को मिलती है. ये प्रॉब्लम ज्यादातर फीमेल्स में देखने क्यों मिलती है, इसका एक बड़ा रीजन है मीनोपॉज. मीनोपॉज वो कंडीशन है जब एक एज के बाद आपके पीरियड्स आना स्टॉप हो जाते हैं. महिलाओं के शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो उन्हें इस बीमारी से बचा के रखने में मदद करते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र में जब इन हार्मोन्स का बनना कम होने लगता है तो बीमारी की आशंका और भी बढ़ जाती है. महिलाओं में ईस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है जिसकी कमी मीनोपॉज के बाद हो जाती है और इस कारण से महिलाओं में ये समस्या कॉमन हो जाती है. ऑस्टियोपोरोसिस के और बहुत से कारण हैं जिससे दोनों ही जेंडर्स बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं. सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें होती है जो फिजिकली कम एक्टिव रहते हैं. इसके अलावा और भी कारण हैं, जेनेटिकली भी हो सकता है, आपकी बॉडी में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी के कारण से भी हो सकता है. स्मोकिंग आप बहुत ज्यादा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी हड्डियों पर बहुत अफेक्ट पड़ता है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. अल्कोहल के इनटेक के कारण भी आपका हड्डियों का वीकनेस आना कॉमन है. और जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता जाता है. वो एक मेन रीजन है कि हमें अपना कैल्शियम कैसे बढ़ा के रखना है, कैसे लेवल में रखना है. एक पर्सन को अपना कैल्शियम की मात्रा 1000 मिलीग्राम से 1500 मिलीग्राम पूरे दिन में लेनी होती है. और आपकी एज बढ़ रही है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, तो आपको सप्लीमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी और एक बैलेंस डाइट लेने की जरूरत पड़ेगी. बैलेंस डाइट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ये तो हमने बताया आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कि ये क्या है, किन कारणों से होती है और किन वजहों से होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं. अब हम बताएंगे आपको मेन बात कि आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. आपने सुना ही होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो हम आपको बताते हैं ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए आप कैसी न्यूट्रिशियस हेल्दी कैल्शियम विटामिन डी रिच डाइट अपने भोजन में शामिल करें. कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, विटामिन डी कैल्शियम को शरीर में एब्जॉर्ब करने का काम करता है. विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स सनलाइट है. आप कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग का जो फ्रेश सनलाइट होता है उसमें अपनी पूरी बॉडी को एक्सपोज करके आप सनलाइट लेंगे तो आपको विटामिन डी पर्याप्त रूप में मिल जाएगा. 30 मिनट तक आप सनबाथ ले सकते हैं. नेचुरोपैथी में एक सन थेरेपी होती है जिसमें हम सिर्फ सूरज की किरणों से ट्रीटमेंट लेते हैं. कैल्शियम रिच डाइट के लिए अपने भोजन में दूध, दही, छाछ, पनीर, योगर्ट, टोफू, मखाना, रागी, सफेद तिल, चौलाई के बीज, खसखस डाइट में शामिल कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का. इसके अलावा प्रोटीन भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी हड्डियों के लिए. प्रोटीन में आप प्रोटीन रिच डाइट के लिए सोयाबीन, सोया, टोफू, दाल, मूंगफली, स्प्राउट्स में आप चना, हरा मूंग ले सकते हैं. काजू, बादाम, अखरोट अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. फलों की बात करें तो फलों में आप ग्रेप्स, ऑरेंजेस, पपाया, डेट्स, सभी तरीके की बेरीज जैसे कि ब्लूबेरीज, रस्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. यहाँ हमें सारे विटामिन, मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है. विटामिन सी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है जो हमारे इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है, और इम्यूनिटी अगर हमारी बड़ी रहेगी तो हम ऑस्टियोपोरोसिस से लड़ने में मदद मिलेगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं फलों में. हमने बताया कि बनाना बहुत अच्छा होता है. बनाना विटामिन ए, सी, ई, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम रिच होता है. बनाना में प्रेजेंट मैग्नीशियम बोन स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में मदद करता है
मैग्नीशियम के अदर सोर्सेस की अगर बात करें तो बीन्स ले सकते हैं, लेंटिल्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर सब्जियों की बात करते हैं कि वो आपको कौन सी सब्जियां हैं जो आपको ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में लेनी चाहिए। पत्ता गोभी, ब्रोकली, पंपकिन, हरी मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं वो, जैसे कि चौलाई की भाजी, मेथी, पालक, आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। भोजन में बहुत ज्यादा नमक, शक्कर, मैदा से बनी चीजों से भी आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं। दिनचर्या में व्यायाम और योगा ना करने के कारण भी आपको बहुत नुकसान होता है, आपकी हड्डियों को बहुत नुकसान होता है। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से शरीर के जोड़ों में दर्द होना, मामूली सी चोट लगने पर भी फ्रैक्चर हो जाना ऑस्टियोपोरोसिस का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। इनिशियल स्टेजेस पे हमें ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन समझ नहीं आती, बट आप इस कंडीशन को पहचानने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस को जानने के लिए कुछ जांच करवा सकते हैं, जिन्हें हम डेक्सा बोलते हैं या बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट बोलते हैं। इसके अलावा आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में आप विटामिन डी और कैल्शियम के लेवल्स को जान सकते हैं, उनकी वैल्यूज को जान सकते हैं। अगर आपका विटामिन डी कम है, आपका कैल्शियम कम है, तो आपकी हड्डियां भी कमजोर होंगी, उनका बोन मास कम होगा और आपकी समस्या बढ़ जाएगी। अब हम आपको बताते हैं एक नेचुरल बेस्ट रेमेडी फॉर प्रिवेंटिंग ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए एक नेचुरल रेमेडी जो कि हर जगह अवेलेबल होती है, वो है अनानास का रस, पाइनएप्पल जूस। पाइनएप्पल जूस को आप अपनी रेगुलर डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर एक गिलास पाइनएप्पल का जूस पीते हैं तो ये आपको ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में बहुत ही मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर मैंगनीज होता है जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। ये तो था हमारा डाइट के बारे में। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो कि हम आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत इग्नोर करते हैं, बता देते हैं आपको। अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव लाएं और फिजिकली एक्टिव रहें। फिजिकली एक्टिव रहने के लिए आप वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट है आप इनमें से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। योगा करने से आपके जॉइंट पेन में आराम मिलता है, आपके जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ती है और आपकी हड्डियों को मजबूत करने में योगा बहुत मदद करता है और ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस रखने में मदद करता है। तो कोशिश कीजिए कि आप योगा को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए अब आपको हम बताते हैं कि आप क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ तो हमने बता दिया आप क्या खा सकते हैं, क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, अब बात आती है कि क्या नहीं लेना है। चाय, कॉफी आप अवॉइड कीजिए। चाय कॉफी लेने से ये आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन को हैंडल करता है, ये आपके मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देता। तो अगर आप चाय कॉफी अवॉइड करेंगे तो एब्जॉर्प्शन लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका अत्यधिक नमक, बहुत ज्यादा नमक, बहुत ज्यादा चीनी लेने से बचना चाहिए, क्योंकि जितने भी ये व्हाइट कलर की चीजें होती हैं, जैसे व्हाइट, इनको हम व्हाइट पॉइजन बोलते हैं, ये हमारी हड्डियों को कमजोर बनाने में मदद करती हैं। तो हमें हड्डियां कमजोर नहीं करनी है, इन्हें मजबूत बनाना है। नेक्स्ट आता है मैदे से बनी चीजें अवॉइड कीजिए। मैदा हमारी आंतों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। मैदे से बनी चीजें आती हैं आपका व्हाइट ब्रेड, मटरी, प्रोसेस्ड फूड जितने भी हैं, रिफाइंड फूड को अवॉइड कीजिए तो आपकी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा सुधार आ जाएगा। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो क्विट कर दीजिए। स्मोकिंग के धुएं से या स्मोकिंग करने से, धूम्रपान करने से आपकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, जो आपको 10 गुना ज्यादा परेशानी में डाल सकती हैं। नेक्स्ट आप अल्कोहल का सेवन ना करें, सॉफ्ट ड्रिंक अवॉइड करें, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल ये सब आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सो फ्रेंड्स, लिव हेल्दी, लव योर बोन्स एंड स्टे फिट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉरवर्ड करना ना भूलें।
अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड जरूर कीजिए और जिनको ये समस्या है उनको जरूर कीजिए। अगर आप किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान हैं या कोई भी हेल्थ इश्यूज है तो आप हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं आशा नेचर की ओर, नेचुरोपैथी एंड एनर्जी हीलिंग सेंटर, समधरिया सिटी, माधव नगर, कटनी।